आम आदमी पार्टी ने तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी अपने संगठन को मजबूती देना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में मंत्री रहे अखंड प्रताप सिंह यादव ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है और उन्होंने दिल्ली पहुंचकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में 3 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे अखंड प्रताप सिंह यादव आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। अखंड प्रताप सिंह यादव के पिता भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार 13 जून को कहा है कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन तीनों राज्यों में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि आज हमारी पार्टी में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह यादव शामिल हुए हैं। वो 3 बार विधायक और 2 बार मंत्री रहे हैं। इस बारे में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अखंड प्रताप सिंह यादव टीकमगढ़ से विधायक रहे हैं और इनके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन से निकले हैं और जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं। अखंड प्रताप सिंह यादव बुंदेलखंड के कद्दावर नेता माने जाते हैं और इसी के साथ अखंड प्रताप ने शिवराज सरकार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में आग भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लगाई गई है। मैं सदैव आम आदमी ही रहा हूं और मैंने जब जब चुनाव लड़ा और हर बार मेरी जीत के बाद सत्ता बदली। अखंड प्रताप ने आगे कहा कि भाजपा और कांग्रेस समझ गई है कि मध्य प्रदेश में केजरीवाल की सत्ता आ गई तो दोनों ही नहीं टिक पाएंगे, इसी वजह से सब कुछ जलाया गया है। अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि आज कुछ लोग आम आदमी पार्टी पर इसलिए उंगली उठाते हैं लेकिन पार्टी जनता से जुड़ती जा रही है। आज पार्टी का सिपाही बन रहा हूं, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसे अच्छे से निर्वहन करूंगा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और इस दिशा में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और जनता के साथ मिलकर काम किया जाएगा। यादव ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव जीतेगी और इतना ही नहीं 2024 में अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में चोर चोर मौसेरे भाइयों की सरकार है और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने सतपुड़ा भवन की आग पर कहा कि आग केवल भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लगाई गई है। उन्हें डर है कि सरकार जाएगी तो उनके भ्रष्टाचार सामने आ जाएंगे। बीजेपी और कांग्रेस समझ गई है कि एमपी में केजरीवाल की सत्ता आ गई तो वो दोनों ही नहीं टिक पाएंगे, इसलिए सब कुछ जलाया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।